रिक्शाओं में मर्डर दहशत फैलाने की साजिश को लेकर, जहां गैंग वॉर या हकीकत कुछ और, क्योंकि मास्टरमाइंड इसका कौन है इसको लेकर कई बड़े सवाल है। फिलहाल एक रेस्टोरेंट में देर रात हुई फायरिंग का ये मामला, जहां अब दिल्ली में दहशत के खिलाफ जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में देर रात हुई फायरिंग का ये मामला, जहां रेस्टोरेंट में 10 राउंड से ज्यादा गोली चली है, फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है। रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है और फिलहाल मौके की ही तस्वीर आपके सामने है, जहां पर पहुंची पुलिस लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। दिल्ली के रेस्टोरेंट के इस मामले की हकीकत क्या है, उसी आधार पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। ये चार तस्वीरें आप देखिए, बर्गर किंग में बदमाशों की फायरिंग और इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। एक दो नहीं बल्कि 10 राउंड यहां पर फायरिंग हुई थी और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अज्ञात हमलावरों ने रेस्टोरेंट के अंदर 10 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, ये सुनते हैं। और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए सारे के सारे कैमराज वगैरह चेक करके और सारे फैक्ट्स एसरटेन करे जा रहे हैं। तो इस समय पे कुछ भी कह पाना कि कौन साथ में था और कितने लोग आए थे वो अभी उचित नहीं होगा। जैसे ही वो कन्फर्म होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। पुलिस की बात भी आपने सुनी, लेकिन अब जानिए आखिर अभी दिल्ली में हुआ क्या, क्योंकि अज्ञात हमलावरों ने 10 राउंड फायरिंग की है और फायरिंग में एक शख्स की मौत को लेकर भी बड़ी खबर है। आपको बता दें, रजौरी गार्डन के रेस्टोरेंट की यह घटना है, जहां मंगलवार रात 9:45 बजे का वक्त था जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, चश्मदीदों से सवाल भी हुए हैं, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है, सबूतों को जुटाया जा रहा है और पुलिस ने जांच के लिए कई टीम्स भी बनाई हैं। आपको बता दें, अब तक मृतक शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, मृतक के पास से आईडी और फोन भी नहीं मिला है। आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके आधार पर जारी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में और अपडेट है क्या, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा। पुनीत, क्या पुलिस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पा रही है? देखिए, पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जाता है रेस्टोरेंट के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी, और इसीलिए पुलिस डीवीआर को अपने साथ ले गई है और जो हमलावर थे उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो हमलावर थे वो तीन में थे, जिनमें से दो हमलावर रेस्टोरेंट के अंदर घुसे, हाथ में पिस्टल थी और दोनों ने अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस वक्त फायरिंग शुरू की गई, अंदर होटल का रेस्टोरेंट का स्टाफ मौजूद था, जो कुछ परिवार के लोग भी वहाँ पे दूसरे मौजूद थे, यानी अच्छी खासी भीड़ थी। और बताया जा रहा है कि टारगेट उन्होंने उसी शख्स को किया था जिसकी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मृतक के अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उसके पास से कोई मोबाइल भी नहीं मिला है। सवाल एक और उठ रहा है कि क्या हमलावर मोबाइल को अपने साथ ले गए या मृतक के पास पहले से ही मोबाइल नहीं था। अमूमन हर आदमी के पास मोबाइल होता है, लेकिन उसके पास मोबाइल क्यों नहीं था और क्या मृतक उसकी रेकी करते हुए आरोपी उसकी रेकी करते हुए थे। तमाम सवाल हैं और सबसे अहम यह है कि हमलावरों के जो चेहरे वो सीसीटीवी में कैद है और पुलिस उन्हीं सीसीटीवी के जरिए जो आरोपी कातिल है उस तक और मकसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।